Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. भारत इस पोजीशन में इस वजह से भी है क्योंकि वो जो साझेदारी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कल भी आखिरी सेशन में, आज भी चेतेश्वर पुजारा अजिंक्य रहाणे सवालिया निशान 111 रनों की साझेदारी लगाई उन्होंने और दोनों ही बड़ी एक्सप्रेस पेस पर खेल रहे थे। आशीष कैसे लगता है आपको ये देखकर उनकी इस साझेदारी को, क्योंकि उन्होंने अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले बहुत सवालिया निशान थे जिस तरीके से खेला है, कैसे आते हैं आप इस साझेदारी? देखिए कमाल की साझेदारी है, दोनों के दोनों वरिष्ठ खिलाड़ी दबाव में, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। और जिस तरीके से कल शाम को दोनों खिलाड़ी खेले हैं, जी हमने कल भी शाम को चर्चा करी थी तने कि कहीं ना कहीं खराब गेंदबाजी का भी उसमें हाथ है, पर सकारात्मक सोच बिल्कुल इन्होंने दिखाई कि ये दिखाया कि इस, और ये भारतीय टीम की रणनीति की भी हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार की रहेगी रणनीति, तो रणनीति दोनों सीनियर खिलाड़ियों ने बिल्कुल ठीक दिखाई। चाहे आप सोच लीजिए कि कभी कभार खिलाड़ी दबाव में होता है या उन्हें लगता है कि ये पिच पर ना कि बेहतर है कि हम थोड़ा आक्रामक रवैया अपनाएं तो गेंदबाज को दबाव में डालें, जिस भी इक्वेशन में आप देख लिए, मैं तो ज्यादा ये कहूंगा कि इन दोनों के केस में दोनों का मिश्रण है। कभी कभार क्या होता है कि जब खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है फॉर्म में, फिर भी उसको पता है कि ये पिच ऐसी है कि मैं यहाँ कभी भी सेट नहीं हूँ, कभी भी आउट हो सकता हूँ, थोड़ा ना लगा के खेलूंगा, थोड़े रन बना के खेलूंगा। ये जो दोनों खिलाड़ी हैं इनको खासतौर पर चेतेश्वर पुजारा को बहुत कम देखा गया इस तरीके का रवैया अपनाते हुए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है कि एक जी हाँ आवश्यकता भी थी इस तरीके की बल्लेबाजी की, अगर गेंदबाजी को आपने दबाव में डालना है या आप कह लीजिए कि जब भी खराब गेंद मिले तो उसको आप मौका जाने नहीं देना चाहते, ये उस तरीके की पिच है क्योंकि आसान नहीं है यहाँ पर अगर अच्छी गेंद होगी तो उसको झेलना, और अगर आपने खराब गेंद भी जाने दी तो दिक्कतें आपकी बढ़ेगी। और दूसरा कहीं ना कहीं जैसे अजिंक्य रहाणे की अगर आप बात करेंगे कि यहाँ पर आज परिस्थितियां भी ऐसी है, मौका भी है, दस्तूर भी है कि मैं थोड़ा बल्ला जरूर फेंकूं, जिस प्रकार उन्होंने सेंचुरियन में भी दूसरी पारी में फेंका था और दोनों ही दोनों खिलाड़ियों को उसका भरपूर फायदा मिला कि जब भारत अभी अगर ये जो आप लीड देख रहे हैं कि दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतक बनाया वो एक चीज, पर किन परिस्थितियों में बनाया और जिस पेस पे बनाया, ये कल अगर आप शाम का आधा पौना घंटा और आज शुरू का जो पौना एक घंटा है ना, ये जो डेढ़ घंटे आप उसमें कह लीजिए 20 ओवर जो है ना अभी तक इस टेस्ट मैच पे, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट वाले 20 ओवर है जिसके चलते अभी मैंने कहा ना कि भारत खेल में थोड़ा आगे, तो भारत के लिए और इन खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी चीज दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों को ना और रनों के इंजेक्शन की आवश्यकता थी, सही समय पे कठिन परिस्थितियों में आए, तो आई एम श्योर ये रन इन दोनों को काफी कॉन्फिडेंस देगा।